नमस्कार गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है धाकड़ न्यूज के ताजातरीन एपिसोड में। आप देख रहे हैं धाकड़ न्यूज, विश्व का सर्वश्रेष्ठ न्यूज नेटवर्क सुमित धाकड़ के साथ। तो आज हम आए हैं प्रवीण प्यारे गोलगप्पे वाले के पास। देख सकते हैं, दिखाएं एक बार, ये चटनी बना रहे हैं। चटनी दिखाएं, कौन सी चीजा बना रहे हैं, दिखाएं जरा। तो आलू बना रहे हैं, आलू बना रहे हैं जी। भरता ही बनाया है आलू का। क्या बनाया है? भरता बनाया है आलू का, ये फोड़ के। अच्छा, आलू फोड़ के भरता बनाया है। और क्या क्या? छोले 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 वोले छोले दिखाए बकायदा। छोले आपको, छोले भी हैं और ये नमकीन भी है। और पानी दिखाएं, पानी दिखाएं, पानी का कलर दिखाऊंगा मैं आपको। देख सकते हैं पानी का भी कलर, देखो हरा हरा, मुंह में पानी आ गया पानी देख के। तो अब आइए प्रवीण प्यारे गोलगप्पे वाले जी से बात करते हैं। तो आप यही दुकान लगाते हैं शुरू से? नहीं, वो बंद पड़ी थी तो मैंने यहाँ लगा खड़ा कर लिया है। वैसे मार्केट में लगा रहे हैं आप? हाँ, मार्केट में। तो गोलगप्पे आप कितने टाइम से बेच रहे हैं? पहले गुजरात में ही बेचा है। गुजरात में? तो फिर यहाँ हाथरस आने का कैसे प्लान बना? वो गन्ना की मशीन चलाते थे, फिर चालू कर दिया मैंने, फिर ये बात गोलगप्पे बेचना। तो गाइस देखा कि ये गुजरात में गन्ने की मशीन चलाते थे और फिर यहाँ आके उन्होंने गोलगप्पे बेचना स्टार्ट कर दिया। और देख सकते हैं टूसी पे बकायदा हाथ पहुँचने के लिए तौलिया भी है यहाँ। अब आइए इनसे पूछते हैं क्या क्या डालते हैं अपने मसालों में, बताएंगे कुछ थोड़ा? पुदीना, धना मिर्च और ये जीरा भीड़ा सब मसाला बहुत है इसमें। बहुत से लोग यूँ कहते हैं गोलगप्पे वाले पानी बहुत गंदी तरीके से बनाते हैं, पसीना गंदे समझाट डालते हैं, आपका क्या कहना है इस बात को लेके? नहीं नहीं, मेरा तो सफाई का चलता है, बढ़िया तरीके से अपने बनाते हैं। मटके का पानी मिलेगा आपको, बिल्कुल ठंडा ठंडा मटके का, देसी मटके का, मिट्टी वाला देसी मटके का ठंडा ठंडा पानी। और ऐसा कुछ नहीं है, बहुत से गोलगप्पे पसीना कहाँ कहाँ खुजा खुजा के पानी देते हैं, लेकिन ये भैया बिल्कुल साफ तरीके से बकायदा मटके का ठंडा ठंडा पानी और ये हींग का पानी के साथ। तो अब भैया के गोलगप्पे ट्राई करेंगे हम, कैसे हैं भैया जरा टेस्ट कराएं। गाइस लंगा जरा माइक पकड़ रहे हैं ऐसे, ये हमारे वॉइस कमांडर है। हम भैया के गोलगप्पे चेक करें, दिखाएं। गाइस जब हम खाने जा रहे हैं भैया का गोलगप्पा, गाइस मसाला काफी अच्छा है, पानी भी काफी अच्छा है, अलग टेस्ट है, बढ़िया मजा आ गया इनका खा के, बिल्कुल बढ़िया है। मैंने देख सकते हैं हाथ पहुंचने के लिए आपके हाथ गंदे होते हैं, हाथ पहुंचे बकायदा आपने, ऐसे नहीं, बहुत से लोग ऐसे हाथ पहुंचते हैं, ऐसे हाथ पहुंचते हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ बकायदा। दोनों तरफ उधर साइड भी है, साइड साइड भी है, उधर का भी दिखाएं जाकर, और दुकान का एक बार फ्रंट भी तो दिखा देना। तो आप भैया से पूछते हैं, भैया कितना टाइम हो गया आपको गोलगप्पे बिकते बिकते? ये मैंने सूरत में भी लगाया था, गुजरात में। अच्छा, सूरत में नहीं, यहाँ अभी यूपी में आए हो, कितना टाइम हो गया? अभी तो मुझे यहाँ पे एक साल हुआ है। एक साल से बिक रहे हैं गाइस, एक साल से गोलगप्पे बिक रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ बिल्कुल सफाई का काम है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, गंदगी हुई है, बिल्कुल साफ सफाई। अगर आपको पैक कराने तो यहाँ पैकिंग का सामान रखा है, और यहाँ सौंठ की पापड़ी भी है, जिसको मिर्च लगती है खाने के बाद वो सौंठ की पापड़ी भी मांग सकता है। पापड़ी क्या फ्री है आपने? हाँ फ्री है, अगर किसी को ज्यादा मिर्च लग रही है तो उसके लिए पापड़ी की सेवा है आपके। पापड़ी की सेवा, नमकीन के साथ बकायदा, भुजिया के साथ, देखिए भुजिया नमकीन के साथ बकायदा। अब बताए दर खाएं, अब तो इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है? नहीं नहीं, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। और बता दें कितने कितने रुपए देते हैं आप? 10 रुपए के 5 हैं ये, फिर लास्ट में देता हूँ 6 के 6 हाँ 10 के 6 और 5 के। अगर कोई जिसपे 10 रुपए नहीं है, कोई गरीब बच्चा है, उसके लिए खिला देते हैं 5 के 3। देख सकते हैं 5 के 3 और 10 के 6 सौंठ की पापड़ी के साथ, और प्याज भी है, प्याज महंगी चल रही है, प्याज भी दे रहे हैं भैया, प्याज लगा कर खिलाते हैं आप। छोले में भी प्याज और पड़ाके में भी प्याज, छोले और गोलगप्पे दोनों भैया प्याज लगा रहे हैं। आप अगर यहाँ आस पास के हैं तो एक बार इनके पास आए, गोलगप्पे खा के जाएं, काफी अच्छा बनाते हैं ये। और भगत जी जो वायरल हुए थे, आपने देखा था भगत जी गोलगप्पे वाले? सुना होगा आपने? नहीं मैंने नहीं सुना। तो गाइस भगत जी गोलगप्पे वाले जो बाहर ले थे, उनकी वीडियो में आपको आगे दिखाऊंगा। अभी भैया के एक बार इधर आ जाए, भैया को दिखाने वाले पूरा। देख सकते हैं इनका नाम प्रवीण है, और वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं इटावा का हूँ, बकेवर के। इटावा का? इटावा कहाँ पड़ता है? ये हो रही है सर यूपी में ही। हाँ इटावा फिरोजाबाद के। अच्छा, फिरोजाबाद के रहने वाले हैं। और गाइस फिरोजाबाद से यहाँ हाथरस उन्होंने अपने गोलगप्पे की स्टॉल लगाई है, देख सकते हैं बकायदा, धूप से बचने के लिए छतरी भी है यहाँ,
बहुत से ग्राहकों को गर्मी लगती है, उनके लिए छतरी है, छतरी की सेवा उपलब्ध है। अब इधर आ जाएं, पास में आ जाएं। तो ये लला भैया बता रहे थे आप एक सिंगर ही रह चुके हैं, तो आपको गाना सुनाना चाहेंगे? एक दो लाइन ही सही, एक दो लाइन सुना दीजिए, कोई सी जो मन में आ रहा हो। नहीं हो क्या, कुछ भी बता दीजिए, एक दो गाने आप सुनते होंगे, कोई भी जो मन में आ रहा है एक दो लाइन सुना दीजिए, जो कस्टमर है वो खुश रहेंगे, आपसे हैप्पी रहेंगे। बस अपना ये गोलगप्पे चलाते हैं, ये धंधा है अपना, एक बार ट्राई मार के देखो, खा के देखो, टेस्ट लगेगा आपको, अच्छा ही लगेगा। गाइस टेस्ट लगा हो, भैया हमारे प्रवीण भैया एक छोटा सा दो लाइन का गाना सुनाएंगे। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत तो महबूब है अपने साथ लेके जाएगी। वाह वाह क्या कहने कभी के, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूब है अपने साथ लेके जाएगी, मौत महबूब है अपने साथ लेके जाएगी। तो गाइस देख सकते हैं क्या शायरी सुनाई है इनने, इनको गले लगाने का मन कर रहा है। आप भी यहाँ गोलगप्पे खाते खाते सारे सुनने के लिए आए, एक बार भैया एक बार आई लव यू बोल दीजिए सबसे, आई लव यू, और भैया की दुकान पे आए और भैया वीडियो को लाइक करें। अच्छा मतलब पॉलिटेक्निक स्कूल पे मिलेंगे, मैं यहाँ से इनका एड्रेस है, पॉलिटेक्निक के पास मिलेंगे, यहाँ ही टेम्परेरी है, वहाँ परमानेंट है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास मिलेंगे आपको। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें। अच्छा जी हाँ, शेयर करें जी हाँ, शेयर कर दो आप, और सब्सक्राइब कर दें। हाँ सब्सक्राइब कर, तब तक के लिए बाय बाय, बाय कर दो, बाय बाय।